एक थी तनीषा, वो तनीषा जो दर्शकों की चहेती थी, वो तनीषा जो मां की लाडली थी, वो तनीषा जिसकी मुस्कुराहट देखकर हर कोई अपना गम भूल जाता था, या वो तनीषा जिसकी खिलखिलाहट से पूरा घर गूंजता था। तनीषा की हर अदा ही बहुत अलहदा थी, ये कहा जाए उसकी हर अदा से पूरा देश उसका दीवाना था। लेकिन आज तनीषा सिर्फ यादों में है, क्योंकि दो हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, 24 दिसंबर 2022 को तनीषा ने मौत को गले लगा लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तनीषा ने इतना बड़ा फैसला लिया? क्योंकि तनीषा के सपने बहुत बड़े थे, तनीषा बहुत ब्राइट फ्यूचर रखती थी। जो उसको जानते हैं वो ये सब कहते थे कि तनीषा में हर वो खास बात है जो एक दिन बहुत बड़े पर्दे पर एक अलग मुकाम हासिल करेगी। क्या तनीषा को सुसाइड के लिए उकसाया गया? क्या तनीषा की मौत के पीछे उसके बॉयफ्रेंड रहे शीजान का हाथ है? क्योंकि इस मामले में तनीषा के को एक्टर शीजान पर संगीन आरोप लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ न्याय की आवाज जोर पकड़ रही है, और सवाल है कि आखिर तनीषा के परिवार को न्याय कब मिलेगा? जी हाँ, और ये कई ऐसे सवाल हैं जो आपके और हमारे मन में लगातार आपको नजर भी आते रहे हैं, लगातार हम उस पर चर्चा भी करते रहे हैं। और आज उन सवालों के बीच में, हालांकि मुश्किल वक्त है, क्योंकि जिसने अपने घर, अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया वो हमारे साथ में है, जिन्होंने अपनी बेटी को खोया वो हमारे साथ में है। तनीषा शर्मा की माता जी हमारे साथ में है, उनका परिवार हमारे साथ में है, स्टूडियो में आज मौजूद है, और तनीषा की पूरे परिवार से हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है उनके मन में, क्या है उनके मन में सवाल क्या है। सबसे पहले मिलवा देते हैं, मेरे साथ में तनीषा की माता जी विनीता जी मौजूद हैं, तनीषा के जो मामा जी हैं परमजीत सिंह जी वो हमारे साथ में मौजूद हैं, संजीव कौशल जी जो हैं तनीषा के चाचा हमारे साथ में मौजूद हैं, तनीषा के मामा पवन शर्मा जी मौजूद हैं, और तनीषा परिवार के जो वकील हैं तरुण शर्मा जी वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले विनीता जी मेरा सवाल आप ही से हम जानने की भी कोशिश करेंगे। इस बीच हालांकि 15 दिन से ज्यादा का वक्त होने को आया है, सबके मन में रोज नई नई बातें आती हैं, नए नए सवाल आते हैं। वनीता जी, आपके लिए आखिर क्या है? आपने अपनी बेटी को खोया, आपकी आंखें अभी भी सूजी हुई मुझे लग रही हैं, क्या मन में आपकी बातें आती हैं? मेरे मन में यही बातें आती हैं कि शीजान जिम्मेवार है इस चीज का, और शीजान को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि शीजान का और तनीषा का एक रिलेशनशिप था, तो उसको मैं छोड़ने वाली तो नहीं हूँ बिल्कुल भी शीजान को, क्योंकि वो मेरे को जानना है कि वो 15-20 मिनट जो शीजान और तनीषा के बीच में बातचीत हुई है मेकअप रूम में, वो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो उसने ये स्टेप उठाया। लेकिन वनीता जी, इस बार कई तरह की अलग अलग बातें भी कही गई, ये भी कहा गया कि तनीषा आपसे बहुत क्लोज थी, तो क्या कभी तनीषा ने ये सारी चीजें डिस्कस की, वो परेशान है? हाँ, तनीषा ने मेरे से डिस्कस की। तनीषा का जब ब्रेकअप हुआ, उसने उस दिन मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शीजान ने धोखा दिया है, मेरे को यूज किया गया और मेरे को शीजान ने थप्पड़ मारा है, और मेरे को क्योंकि मैंने शीजान के फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड्स की चैट पढ़ी है, मम्मा उसने मेरे को धोखा दिया है, ऐसा कहा। हाँ, उसने मेरे को बोला है तनीषा ने। तो आपको लगता है कि अगर तनीषा ने इस तरह का अगर कदम उठाया तो उसके पीछे ये वजह है, या फिर और भी वजहें हो सकती हैं? नहीं, ये वजह तो है ही है, क्योंकि तनीषा इतनी टूट गई थी, और उसकी सारी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। तनीषा की जो उसकी शीजान की माँ, उसकी बहन और शीजान खुद, तीनों की इन्वॉल्वमेंट है। तनीषा मेरे से अलग होती जा रही थी दिन ब दिन, और ये 2-3 महीनों में वो उस फैमिली में इतनी क्लोज हो गई थी कि उन तीनों ने मिलके इसका ब्रेन वॉश किया, क्या किया ये अब उसको ही पता है। मैम, आपके लिए बहुत, आपका भी गला रुंध रहा है, समझ सकती हूँ, आपने अपनी बेटी को खोया, लेकिन आपने जिस रिश्ते की बात की, आपकी उसने आपने चीज़ें शेयर की, लेकिन इस बीच शीजान की मम्मी, शीजान की सिस्टर मीडिया के सामने आती हैं, उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें कही, और उन्होंने एक बात ये इम्पोर्टेंट कही कि वो अपनी मम्मी से उसके टर्म्स अच्छे नहीं थे, बल्कि वो शीजान और
की फैमिली जो उसकी सपने थे वो पूरे करना चाहते हैं। अगर मेरी टीम वो बाइट सुना पाए जिसमें शिजान की जो मदर है वो रिश्तों को लेकर बात कह रही हैं, वो उनकी मम्मी से दूरी को लेकर बात कह रही हैं। बिल्कुल, मेरी बच्ची थी वो, मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफर कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले ही 20 साल की थी लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी, आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। वनीता जी, आपने सुना शिजान की मदर को, वो बार बार यही मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ये तो कह रही हैं कि मेरी बच्ची थी, ये 4 महीने में इनकी बच्ची होगी, जो मैंने सारी जिंदगी इस पे लगा दी वो कुछ भी नहीं। मैंने सारी उम्र तनिषा के लिए लगाई है। मैंने इसके पापा 2011 में चले गए थे मेरे को छोड़ के, मैंने रीमैरिज नहीं की और मेरा हमेशा यही पॉइंट रहता था कि तनिषा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और तनिषा मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है वो, और आपकी लाइफलाइन आपसे चली गई उनमें से छीन लिया। और शिजान को मैं छोड़ने वाली नहीं, उसको सजा तो दिलानी है क्योंकि शिजान जिम्मेवार है पूरा इस चीज का। शिजान की मदर कह रही है कि जिस तरह से अभी सारे आरोप लग रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो क्या आप शिजान को भी सुसाइड कर लेना चाहिए? वो इस तरह से आप पर आरोप लगा रही हैं, दबाव बना रही हैं। नहीं, शिजान को सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो सुसाइड करे, वो कुछ करे, उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, उसको कड़ी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुसाइड से मतलब वो लाइफ डिस्ट्रॉय की जस्टिस चाहिए तनिषा के लिए, मेरे को जस्टिस चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाह रही। इसमें एक सवाल और जो यहाँ पर कई बार उठा है, धर्मांतरण के भी आरोप लगे हैं, हिजाब वाली तस्वीर सामने आई थी, और पवन शर्मा जी, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि धर्मांतरण का क्या किसी तरह का एंगल है? क्योंकि ये परिवार की तरफ से, शिजान के परिवार से की तरफ से कह दिया गया था कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको एक अलग एंगल दिया जा रहा है। देखिए, पिछले 2-3 महीने में सिर्फ मैंने ही नहीं, उनकी मदर ने, बाकी उसके आसपास के सभी लोगों ने ये नोटिस किया था कि तनिषा का जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो गया था। इससे पहले भी तनिषा ने एक शो किया जिसका नाम है इश्क सुभान अल्लाह, उसमें भी पूरा अलग कल्चर था, बट तनिषा हमेशा से पंजाबी बोलती आई थी, लेकिन इस बार वो टोटली चेंज हो गई थी, उसका बिहेवियर चेंज, लैंग्वेज चेंज। तो इस वजह से हमने सिर्फ पुलिस से ये डिमांड रखी कि आप हर एंगल से इस केस की जाँच करिए, आप ऐसा मत करिए कि आपने नीचे आते ही ऊपर से नीचे उतरे और बोल दिया कि, जहाँ डेड बॉडी थी नीचे उतरे और बोल दिया कि ये सुसाइड है। तो हर एंगल से अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन सा एंगल है। जी, दरगाह ले जाने का मामला सामने आया था कि दरगाह भी ले जाया गया लेकिन बता नहीं रहे कि कौन से ले जाया गया, अगर जानकारी है तो बताइए, ये कहा गया था। किसी तनिषा के किसी फ्रेंड का ही मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने तनिषा को कहीं देखा था शायद, और तनिषा की मदर को उन्होंने बताया कि मम्मी मैं ऐसे कहीं होकर आई हूँ। तो ये जी, लेकिन पवन जी एक और बात, ये बात हमने देखी थी कि आपने कहा था कि कई बार हमने देखा कि जिस तरह से वो बुरके की बात आई, हिजाब की बात आई, दरगाह जाने की बात आई, आपने कहा लैंग्वेज भी, बर्ताव भी, उर्दू भी वो सीख रही थी, तो वो अपने सीरियल्स को लेकर सीख रही थी, आपको इंटेंशनली ऐसा कुछ नजर आता है? देखिए, सीरियल को लेकर मैंने वही कहा, अभी सीरियल को लेकर वो इससे पहले इससे बड़ा शो कर चुकी थी, ज्यादा टाइम के लिए कर चुकी थी, यहाँ तो सिर्फ उसको 2 महीने ही हुए थे, तब उसमें कोई चेंज नहीं आया। आप वो रिकॉर्ड चेक करेंगे आपको मिलेगा कि इससे पहले उसने कौन सा शो किया था। लेकिन इस बार उसने अपनी मम्मा को बोला कि नहीं मम्मा, मुझे उर्दू बोलना अच्छा लगता है, मुझे शिजान ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा, तो इसलिए मैं सब चीजों को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये उसकी लाइन थी। अच्छा, हाँ जी, ये उसने मेरे को बोला है। अच्छा, और जिस दिन ब्रेकअप भी हुआ है उसने मेरे को ये तो बोला है कि मम्मा मेरे को यूज किया गया है, मेरे को सबने यूज किया है, उसकी मम्मी ने, उसकी बहन ने, और ये सब यूज कर रहे हैं मेरे को। ये आपसे बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई है तनिषा से। तनिषा बहुत रोई है आके घर।
तो आपको ऐसा लगता है कि क्या उस पर भी धर्मांतरण या धर्म बदलने का कुछ दबाव था, अगर ये सारी चीजें हैं? क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इस दौरान शिजान की सिस्टर जो हैं उन्होंने भी धर्म रिलीजन को लेकर कुछ बातें कही हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी जरूर हम अपने व्यूअर्स को सुनाए, चर्चा करेंगे। हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। मैम ये रूटीन सारी चीजों को बता रहे हैं, उनका कहना है कि वो किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं करते। आपने ऐसा फील किया होगा, अगर बर्ताव हो रहा है तो आपको लग रहा है कि वो इंटेंशनली चेंज किया जा रहा है या फिर सिर्फ शो ही एकमात्र जरिया था? पवन जी और आप विनीता जी, देखिए उनको क्या होता है ना कि अगर सिर्फ शो था या शो नहीं था, लेकिन पिछले शो में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसलिए वो भी हैरान थे, हम लोग भी हैरान थे, उसके बाकी के फ्रेंड्स भी। वो अपने फ्रेंड से जो बचपन के दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात करती थी, वो लोग भी ये सेम चीज बोल रहे हैं कि वो टोटल चेंज हो गई थी। और दूसरा उसका मम्मी से ये कहना कि मम्मी मुझे हिजाब अच्छा लगता है, मम्मी मुझे अभी उसको एक्सेप्ट लेकर भी आई थी, हिजाब घर पे भी लेके आई थी। अच्छा, तो उसका आपने उनसे पूछा था कि हिजाब अचानक या ये आपने तब उसने मेरे को बोला मेरे को अच्छा लगता है मम्मा, बस इतना ही बोला उसने मेरे को। तब तक इनको प्रॉब्लम्स नहीं थी, इनको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को ये था कि ये शो चल रहा है, बच्चे शो कर रहे हैं, चलो फ्रेंडशिप है तो जो शादी वादी है वो तो अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि टिनिशा अभी जस्ट 20 साल की थी, अभी तो मैंने उसकी शादी करनी भी नहीं थी, तो अभी 27-28 की साल की उम्र में देखेंगे, जब होगी, जब टाइम आएगा तो तब सब मिलके देखेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं अकेली तो नहीं हूँ, उसके मामा हैं डिसीजन लेने वाले, उसके चाचा हैं, पवन है, सब लोगों ने हमने मिलके उसकी शादी का डिसीजन लेना था, वो अकेली नहीं थी। अगर हम इसे जूम कर पाए, जैसा कि विनीता जी बता रही हैं कि ये तुनिशा का और उनका ये पूरा ट्रांजेक्शन है जिसमें उन्होंने, और बहुत बड़े बड़े अमाउंट नहीं है, आप ये देखिए बहुत बड़े बड़े अमाउंट नहीं है, जैसे 3,000, 5,000, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, ये इस तरह के ट्रांजेक्शन हुए। तो विनीता जी, मतलब एक जब कोई कलाकार होता है, अदाकारा होती है, भाई उसका उसके पास में अर्निंग या पैसे का मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा क्राइसिस होते होंगे इस तरह से, अगर छोटे छोटे अमाउंट अगर आप पे कर रहे हैं वो क्या ऐसी जरूरत आपको लगती है कि क्या कहां जाता है ये सब? ये आई डोंट नो मेरे को, क्योंकि मेरे को जैसे टुनिशा ने बताया था कि मम्मा शिजान ड्रग्स लेता है। अच्छा। ड्रग्स लेता है, और शिजान ने टुनिशा को सिगरेट पीने की आदत डाल दी थी, उसकी फ्रेंड्स से भी पता चल रहा है मेरे को, जो उसके पुराने फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बोला है कि टुनिशा वीडियो कॉल पे सिगरेट पी रही, तो हमने मना किया, तो वो कहती मेरे को शिजान ने सिखाई है। जो मैंने उसको गूगल पे किया, ये जो 2-3 महीने में इतने पैसे गूगल पे, ये पैसे कहाँ जाते थे, क्योंकि वो तो सुबह शूट पे जाती थी, क्योंकि मैं ट्रांजेक्शन देख रही हूँ, कभी 1,000 रुपीज का है, कभी 500 रुपए का, कुछ 5,000 भी है, 10,000 भी है, 5,000, 10,000 भी है, ऐसे भी है, तो वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर बेसिक, अगर की मतलब इतनी उनको बार बार जरूरत पड़ रही है, दरअसल ये मैं सवाल मैम आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शिजान की जब माँ और जो सिस्टर थी उनकी तरफ से कहा गया कि जो तुनिशा के जो सपने थे वो उनके परिवार पूरे नहीं कर पा रहे थे, तुनिशा तो की माँ नहीं पूरा कर पा रही थी, वो हम सपने पूरे कर रहे थे। मैं चाहूंगी प्लीज वो भी एक बार सुनते हैं, उनके टैटू की बात थी, उनके उनके सारी एक्सपेंसेस की बात थी, सुनिए। टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता, इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली, मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की,
हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आपी और अम्मा बोलते हैं, हम हैं आपी और अम्मा। मैम, बकेट लिस्ट वो पूरी करा रहे थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि उनका आपसे वो कनेक्शन नहीं है। नहीं, वो मेरे से 3-4 महीने से कटती जा रही थी, क्योंकि टनीशा शिजान की फैमिली के बहुत क्लोज आ रही थी। उसकी मम्मी उसको, जैसे टनीशा ने मेरे को बोला कि मम्मी मेरे को अम्मा परेशान कर रही है फ़ोन कर करके, जो शिजान की गर्लफ्रेंड थी, जो भी रही है गर्लफ्रेंड थी, उसके बारे में वो फ़ोन पे बातें करती है, मम्मी मेरे को परेशानी हो रही है, मम्मा उनको मना करो। मैंने शिजान की मम्मी को फ़ोन किया कि आप उसको क्यों परेशान कर रहे हो, वो बच्ची है, छोटी है, उसको काम की तरफ ध्यान दो, आपने जो बात करनी है मैडम आप मेरे से बात कीजिए, आप उससे बात, वो मेरे से बात करती नहीं थी बिल्कुल भी। आप भी उनके घर जाते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके घर आप भी उनके घर पे जाते थे। एक या दो बारी गई हूँ मैं उनके घर, नहीं गई कभी, उन्होंने मेरे को बुलाया भी नहीं कभी भी घर पे। मैं उनके घर नहीं कभी गई, नहीं गए, क्योंकि मैं डॉगियों से बहुत डरती थी। उनके घर 4 डॉगी हैं, मैं डॉगी से बहुत, और शिजान की माँ ने ही टनीशा को डॉगी दिलवाया। जब उसको पता है उसकी माँ इतना डरती है, तो तुम क्यों ऐसा प्रेशराइज कर रहे हो बच्चे को कि तू डॉगी रख घर में, क्यों भी, मेरा राइट कहाँ गया, मैं घर पे हूँ, मेरे से भी तो पूछो ना कुछ। लेकिन एक तस्वीर फिर उन्होंने दिखाई थी, एक जर्मन शेफर्ड के साथ में आपकी वो तस्वीर दिखाई थी कि देखिए वो डॉगी वो इनके घर में था, इनसे लेना देना नहीं हुआ, आते जाते रहे तो रहेंगे, अपने घर में उन्होंने कभी नहीं रखा है। मैंने अपने घर में नहीं रखा, वो इनका डॉगी है। डॉगी वाले इंसिडेंट का 21 दिसंबर को इन्होंने पहली बार डॉगी को गोद में उठाया, मैंने टनीशा की वजह से उठाया, क्योंकि मैं टनीशा को इतना प्यार करती थी, और उसने इमीडिएटली एक वॉइस मैसेज भेजा, वो मैं वॉइस मैसेज सुना देती हूं। लेकिन उस तस्वीर को इस तरह से दिखाया गया था उस तस्वीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये देखिए कि टनीशा ये कह रही है कि ये देखिए कि मम्मी वैसे तो बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन ये फोटो देखिए कितने प्यार से, कितने अच्छे से बैठी। किसी के साथ फोटो खिंचाने से ये नहीं होता कि उसको पसंद है या ना पसंद है, ये प्रूव नहीं होता है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो उनकी चॉइसेस को भी एक तरह से कमांड कर रहे थे? हाँ, वो बिल्कुल कर रहे थे, वो बिल्कुल कर रहे थे। पिछले 3-4 महीनों से, वो 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी मामा से बोला है कि मैं संजीव से बात करना चाहती हूँ, करती थी वो उसकी माँ कुछ बताना चाहती थी अपने बारे में, लेकिन वो नहीं आई, वो 2 दिन का ब्रेक इसीलिए चाह रही थी। कौशल जी, एक थी मैम, आपने कहा कि वो अपने काम के प्रति भी उतनी ही ज्यादा पैशनेट थी, काम को लेकर था उसको, काम तो उसकी जान थी, वो काम तो इतनी डेडिकेशन से करती थी कि उसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी बोलते थे कि टनीशा बहुत अच्छा काम। मैम, लेकिन जो शिजान के पेरेंट्स हैं, शिजान की माँ और बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, उनका कहना है कि वो काम नहीं करना चाहती थी, टनीशा की मदर उन पर प्रेशर डालती थी ताकि वो काम करे। वो उसकी माँ ये बोल रही है, एक बार सुनाती हूँ मैम को। काम नहीं करना चाहती थी, लेट मी क्लियर दिस, उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली, पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड सेक, दाना पानी, और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते, और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। पहले तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स, जब मैं लद्दाख में थी टनीशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल, मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापिस फोन। वो इतने फोन करती थी, इतने फोन करती थी कि टनीशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा इंटरफेयर आप लोगों की तरफ से किया जाता था? ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को ये होता था कि टनीशा कहीं गई है, वहाँ ठीक ठाक पहुंच गई है, टनीशा ने खाना खाया, क्योंकि टनीशा खाना खाने में थोड़ा सा वो थी, वो बाहर का खाना भी पसंद करती थी, तो मेरे को मेरा राइट है मेरा पूछने का, क्योंकि बच्चा मेरा था। तो मैम, आपको ये सिर्फ एक चिंता थी या फिर डर भी रहता था, क्योंकि आपको लगता था कि वो शिजान की फैमिली की तरफ या शिजान की तरफ ज्यादा? जब लेह लद्दाख गई है तब तो इनका स्टार्टिंग था शो का, तब तो आउटडोर शूट गई थी और तब से इनका फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। लेकिन अब जैसे ये कह रहे हैं कि उसने जिंदगी नहीं जी, वो घूमना चाहती थी, वो काम नहीं करना, 12-12 घंटे में जबरदस्ती काम नहीं करवा सकती। कह रहे हैं कि फर्स्ट डे वो गई है जुहू बीच पे, ये मैं आपको फोटो 2015 में करवा लूंगी, 2 दिन करवा लूंगी, इतने 12 साल से वो काम कर रही थी, बीच का ही फोटो है, मेरी वाइफ है, मैं हूं और टनीशा। एक बार इस तस्वीर को भी ज़ूम कर लीजिए। हाँ, ये देखो बीच पे, ये देखिए मैम, वो घूमने मतलब घूमने जाने से क्या उसे कंट्रोल करते थे? नहीं, मैंने कभी भी आज तक नहीं कंट्रोल किया उसकी माँ का। शूटिंग के सिलसिले में वो दुबई भी जा चुकी है, वो न्यूयॉर्क भी जा चुकी है, वो कलकत्ता भी जा चुकी है,
उसके फ्रेंड सर्कल से भी पूछा जाए, वो चंडीगढ़ में सर्कस भी देखती थी, वो मूवीज भी देखती थी।